तो मीशो एप्लीकेशन इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, और ऐसे में अगर आप भी मीशो से शॉपिंग करना चाहते हो और अगर आपको नहीं पता कि मीशो से किस तरीके से शॉपिंग करा जाता है तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको मीशो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और मीशो का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे तो आप प्ले स्टोर में चले जाओगे, यहाँ पे बस आपको मीशो का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे बस आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको आपका जो अकाउंट है वो मीशो में क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट का सेक्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ऊपर के साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नंबर डालने को बोला जाएगा, तो यहाँ पे नंबर डालना और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे ओटीपी को फिल करना, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर देना। इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो मीशो में सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपना प्रोफाइल को थोड़ा बहुत सेट कर लेना, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल लेना, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल लेना, उसके बाद अपना जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपका जो भी लैंग्वेज है वहां पे हिंदी कर देना। इसके अलावा नीचे में यहां आपको ऑक्यूपेशन दिखेगा, तो यहां पे आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद बस आपको यहां पे इसे सेव कर देना है। इसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो पूरा कंप्लीटली सेट हो चुका है। अब आप मीशो से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो यहां पे आप बैक आते हैं और यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे बहुत सारा प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां से कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन अगर मान लेते हैं आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करना है तो इसके लिए ऊपर में आपको सर्च का सेक्शन दिख रहा है, यहां पे क्लिक करना और जो भी प्रोडक्ट आपको सर्च करना है उसे यहां पे सर्च करके फाइंड कर लेना। तो मेरे केस में मैं यहां पे साड़ी लिख ले रहा, और मान लेते हैं कि मुझे ये साड़ी परचेस करना है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। तो साड़ी पे क्लिक करते यहां पे आप देख सकते हो कि साड़ी यहां पे खुल के आ चुका है। तो यहां पे बस आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, एक यस और दूसरा नो। तो ये दोनों क्या फंडा है मैं आपको बता रहा। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो यहां पे आप यस का प्राइस देख सकते हो 244 है, और नो का जो प्राइस है वो 234 है। जो नो है उसमें हमें 11 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल रहा। लेकिन ये क्या है, देखो अगर आप यस पे क्लिक करके शॉपिंग करते हो ना, तो यहां पे क्या होगा कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप इजीली रिटर्न कर सकते हो और अपना जो भी पैसा है उसे रिफंड ले सकते हो। लेकिन अगर आप नो कर देते हो और नो करके ऑर्डर करते हो तो यहां पे क्या होगा कि अगर आपके पास रॉन्ग प्रोडक्ट आता है, मतलब कि साड़ी ऑर्डर कर रहे हो आपके पास पजामा आ रहा है या कुछ और प्रोडक्ट आ रहा, ऐसे केस में प्रोडक्ट रिटर्न होगा। या फिर अगर आपके पास फॉल्टी प्रोडक्ट आता है, डिफेक्टेड प्रोडक्ट आता है, फटा हुआ प्रोडक्ट या फिर टूटा हुआ प्रोडक्ट आता है, उस केस में ही प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करें उसके बाद वो आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे रिटर्न करना चाहो तो रिटर्न नहीं होगा अगर आप नो सिलेक्ट करते हो। तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 11 रुपया ही बचेगा। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं यस पे ही क्लिक करके यहां पे बाय नाउ पे क्लिक कर दे रहा। बाय नाउ पे क्लिक कर दी, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहां पे अब आपको आपका जो एड्रेस है वो फिल अप करना है। तो यहां पे ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करना और आपका जो भी एड्रेस है वो यहां पे फिल अप कर देना। जैसे कि यहां पे सबसे ऊपर में आपको नाम लिखना है, उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहां पे डाल देना है, उसके बाद आपका जो भी हाउस नंबर है, अगर आपका कोई हाउस नंबर है तो उस हाउस नंबर को यहां पे आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे में यहां पे कॉलोनी डालना है, एरिया डालना है या फिर रोड नेम डालना है, जो भी आपका कॉलोनी है, एरिया है या फिर रोड नेम है उसे यहां पे आप डाल देना। और नीचे में आपको यहां पे आप पिन कोड डालना है, तो पिन कोड यहां पे डाल देते हैं और आप भी अपने केस में पिन कोड डाल देना। इसके बाद यहां पे आपको सिटी फिल अप करना है, तो यहां पे आपका जो भी सिटी है वो डाल देना। उसके बाद साइड में यहां पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, तो आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहां पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहां पे नियर बाय लोकेशन है, जो कि ऑप्शनल है, इसे भर भी सकते हो, नहीं भी चाहो तो नहीं भर सकते हो। लेकिन यहां पे अगर आपका कोई भी नियर बाय लोकेशन है, जैसा कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है या फिर तालाब है या फिर मैदान है, तो वो यहां पे आप लिख सकते हो। इसके बाद यहां पे बस आपको सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाओगे पेमेंट पेज पे। जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो पेमेंट पेज पे आ चुके हैं, तो यहां पे आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो यूपीआई कर सकते हो या फिर वैलेट से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो सीओडी सिलेक्ट करते हैं, तो मेरे भी केस में मैं यहां पे सीओडी सिलेक्ट करूंगा। और सीओडी सिलेक्ट करने के नीचे यहां पे आप देख सकते हो रीसेलिंग द ऑर्डर। तो यहां पे ये मीशो का एक अलग फीचर है, इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पे देखना कि यहां पे बस नो पे टिक होना चाहिए, तो यहां पे नो पे टिक करना। इसके बाद बस अब आपको यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का ऑर्डर समरी का पेज खुल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कब डिलीवर्ड होगा ऊपर में दिया गया है, इसके अलावा आप कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो वो यहां पे दिया गया है, इसके अलावा यहां पे आपका जो भी एड्रेस है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा नीचे आपका पेमेंट मेथड दिखेगा कि आप पेमेंट किस मेथड से कर रहे हो। तो हमारा जो पेमेंट
मेथड है वो सीओडी है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है ना वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रैंड टोटल है वो आप देख सकते हो 244 का हमारा टोटल प्राइस है प्रोडक्ट का। तो बस अब आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी ऑर्डर है ना वो प्लेस हो जाएगा मीशो पे, मतलब कि आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है मीशो पे। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। ऊपर हमारा ऑर्डर आईडी जो है वो मिल चुका है, नीचे हमारा प्रोडक्ट दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट हमने ऑर्डर करा है। उसके जस्ट ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिलीवरी टाइम दिखा रहा है कि कब हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर्ड होगा। इसके अलावा नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिलीवरी एड्रेस दिया गया है, पेमेंट मेथड बताया गया है कि कैश ऑन डिलीवरी में हमारे ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल दिया गया है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आखिरकार कितने प्राइस का है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो फिलहाल कंफर्म हो चुका है मीशो में। अब अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आखिरकार कहाँ पहुंचा है कहाँ नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप होम स्क्रीन में आओगे तो यहाँ पे आपको माय ऑर्डर का सेक्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे माय ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप माय ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आप जो जो प्रोडक्ट ऑर्डर करे होगे मीशो से वो सारा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो जो भी ऑर्डर आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट आखिरकार कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं, तो उस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर ट्रैकिंग, आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ पहुंचा है कहाँ नहीं, आपका प्रोडक्ट प्लेस हुआ है शिप हुआ है डिलीवर्ड हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हो मीशो में।